नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज आपके सामने मैं लेके आऊँ एक गाड़ी जो कि बिल्कुल ही फ्रेश, बिल्कुल ही मतलब विदाउट रेडियम है। ओनली पेंट का काम हुआ हुआ है गाड़ी पे और कैबिन का भी फुल काम हुआ हुआ है, न्यू काम हुआ हुआ है और कोई भी रेडियम वगैरह लगी नहीं हुई। सिर्फ माथे पे जो पत्तियाँ हैं उसके नीचे रेडियम लगी है क्योंकि वो पहले लगानी पड़ती है, तो और कोई रेडियम का काम इस गाड़ी पे नहीं हुआ। तो बॉडी भी देख सकते हैं आप, कोई बॉडी पे काटी वगैरह नहीं डली हुई। और पीछे की तरफ चले तो पीछे भी देख सकते हैं आप, जो जालियां हैं उन पे भी कुछ भी लगा नहीं हुआ। और जो डाला है गाड़ी पे वो भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही कुछ भी लगा नहीं हुआ, सिर्फ पेंट के साथ लखाई हुई हुई है जो डाला है। और अभी अभी आप देख सकते हैं पाइपों पे हमने काम शुरू ही किया है, तो इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ये वीडियो, और एंड तक बने रहिएगा ये हमारी वीडियो में। तो अब हम आपको इसके बाद दिखाएंगे कि जो गाड़ी, यही गाड़ी पे रेडियम लगने के बाद ये गाड़ी की क्या लुक निकलती है और कैसी ये गाड़ी दिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर फ्रंट की बात करें तो बोर्ड पे देख सकते हैं आप, दोनों सिख धर्म के गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी की फ़ोटो लगाई है, और साइड में गुड्स कैरियर और सेंटर में ऑल इंडिया परमिट और इंडिया का मैप लगा है। और फ्रंट शीशों पे भी देख सकते हैं पूरा बॉक्स वाला डिज़ाइन बना हुआ है जैसे आजकल चल रहा है। और फ्रंट पे भी देख सकते हैं फट्टी पे न्यूजीलैंड और कैनेडा का झंडा ढला हुआ है, और नीचे भी लिखाई हुई हुई है पंजाबी में। और आप जो आगे की तरफ देखें तो देख सकते हैं ओरिजिनल 3M की पट्टी भी लगाई हुई है 2 इंच की, और गैप जो बीच में रखा हुआ है वैसे ही रखा हुआ है जैसे ओरिजिनल चासिस के साथ ये 3M की रेडियम लग के आती है। तो पीछे बॉडी की बात करें तो देख सकते हैं काटी भी डली हुई है, और साइड में भी देख सकते हैं जो गाड़ी का मार्का है 2518, और जो स्टील डली है उस पर भी हमने खंडा लगाया, और जो सीढ़ियाँ हैं उस पर भी पूरी रेडियम लगी है। ढो का एंगल रहता है उस पर भी हमने इंची का रेडियम लगाई है, और ये काटी देख सकते हैं पूरा बिल्कुल सीधी काटी, ऐसे नहीं होगा टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल भी नहीं होगी, पूरी फिनिशिंग के साथ हमारे यहाँ काम होता है रेडियम का। और पीछे की तरफ लेके चले तो पीछे की तरफ जो डाला है वो बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन के साथ बनाया गया है जैसे आजकल चल रहा है, कलरफुल डाला बनाया हुआ है पूरा, और जालियाँ भी पूरी रेडियम लगी हुई हैं, और ऊपर पाइप्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। और देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी जो गाड़ी की पीछे से लुक निकलती है बहुत ही अच्छी निकलती है। जो रेडियम आती है हमारे पास वो निकोलाइट की रेडियम हम यूज़ करते हैं, टोटली निकोलाइट की ही रेडियम हम यूज़ करते हैं। और भी कई कंपनी आती हैं लेकिन सबसे बेटर जो कंपनी निकलती है वो निकोलाइट ही अच्छी लगती है। तो गाड़ी भी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है इस गाड़ी में, और बहुत कुछ रेडियम का काम इतना हो सकता है कि आप जितना चाहो गाड़ी पे रेडियम का काम करवा सकते हैं। जैसे साइड वाला जाल देख सकते हैं आप, इसमें रेडियम लगी नहीं हुई, कस्टमर ने लगवाई नहीं, अगर आप भी यहाँ पर लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हो, और बॉडी पे जो भी आजकल डिज़ाइन चल रहे हैं वो भी बनवा सकते हैं, रेडियम से लिखाई भी हो जाती है, सारा काम हमारे यहाँ होता है बहुत ही अच्छी तरह से तसल्ली के साथ। तो जैसा भी आप काम करवाना चाहें तो यहाँ आपको अवेलेबल मिलेगा। अगली वीडियो भी हम आपको रेडियम की लेके आएंगे जो कि बहुत ही अच्छी गाड़ी, वो भी रेड एंड येलो कॉम्बिनेशन के साथ गाड़ी रेडियम लगी हुई है, वो भी हम आपको जल्द ही लेके आएंगे आपके सामने। तो इसलिए हमारे YouTube चैनल पे बने रहेगा और हमारे YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा YouTube चैनल पूरा सपोर्ट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।